An under-construction bridge over the Ganga River collapsed in Bihar's Bhagalpur on Sunday. The bridge that was supposed to connect Khagaria district with Bhagalpur was built at an estimated cost of 1700 crore rupees. However, the story does not end here. Two different reasons behind the collapse have been floated by Chief Minister Nitish Kumar and his deputy Tejaswi Yadav. Bhagalpur mein jo hua hai, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा था? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, एक साल पहले की बात है। अब फिर जब दो हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि हम लोग को पहले से ही शंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तोड़वाने का फैसला लिया। तो तोड़वाने का जो फैसला जब लिया तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। The incident has given BJP and its allies ammunition to target the Nitish government. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इस कंपनी को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसकी बहुत सारी शिकायतें हैं लेकिन कोई इसको सुनने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा है कि पुल बनता हुआ ढह गया। अगर ये ट्रैफिक चल रहा होता तो आज हजारों लोग हताहत हो जाते। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जांच की मांग करते हैं। And now with Nitish and Tejaswi giving different versions of the same story, the political arena is likely to witness more slugfests.